मतलब 15 से 20 किलोमीटर दूर शादी थी, तो वो सुबह गए थे और शाम को 7-8 बजे आने वाले थे। मैं जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ तो आप लेकर आ जाना। तो मैंने ये सिर्फ मैंने मेरे दादी वगैरह के सामने बहाना करा कि मैं जोमेटो से नूडल्स वगैरह ऑनलाइन कर रही हूँ, ये पप्पा जी भी आए ये भी खा लेंगे और अपन भी खा लेंगे। आ जाती आधे घंटे के लिए तो मिल भी लेते अच्छी तरीके से, लेकिन ये नहीं आई थी क्योंकि वो डर था ना कि घर वाले कहीं अचानक से नहीं आ जाए। चाय की दुकान एक छोटी होटल बना हुआ है छोटा सा, हम वहाँ पे जाके हम दोनों बैठ गए। पहले चाय पी हम लोगों ने, पहले सोचते रहे, फिर जितने भी लोग वहाँ पे मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग थे, वो सारे जितने भी लोग वहाँ के वो सब, इनका एक गेट है वहाँ पे, इन्होंने गेट खोला और उस गेट के अंदर में, ठीक है, उस गेट के अंदर पहुंचा मैं। और सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैं के प्लस में। सो गाइस, आज हम आपके साथ में हमारी लाइफ का एक इतना इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करने वाले हैं कि जो आप लोगों को सुनने में बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम लोगों ने हमारी पूरी लव स्टोरी शेयर करी, लेकिन हम लोगों ने कुछ पार्ट्स अभी तक भी ऐसे बचा के रखे कि जो हमारी जर्नी में हुए थे, हमारी लव स्टोरी वाली जर्नी में हुए थे। ठीक है, हम लोगों ने सोचा था कि पहले यार ये वाला पार्ट शेयर नहीं करते क्योंकि क्योंकि घर वाले देख रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा। घर वाले अगर वीडियोस देख रहे हो ये देख लेंगे तो उनको थोड़ा अलग अजीब सा लगेगा, तो इसीलिए इसी वजह से शेयर नहीं करा था। फिर हमने सोचा कि यार करते हैं शेयर, करते हैं क्योंकि ऐसा गलत भी नहीं है, कोई गलत किस्सा भी नहीं बोल सकते। हाँ, जो जर्नी में हुआ है तो वो भी इंटरेस्टिंग किस्सा है और आप लोगों के साथ में बिल्कुल शेयर करना चाहिए। जब इतनी सारी चीजें शेयर करी हमारी चैनल पे हम लोगों ने, तो फिर ये वाला भी किस्सा आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करना चाहिए। हम लोगों को लगता है ऐसा, तो गाइस हुआ ऐसा था क्योंकि जब हम दोनों अच्छी तरीके से बात करने लग गए थे, उसके बाद में एक दिन हुआ ऐसा, क्योंकि सबसे पहली चीज मैं बता देता हूँ कि इनके घर पे रेस्ट्रिक्शन बहुत था। ठीक है, क्योंकि हर एक मुस्लिम लड़की के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब मोस्टली 90% लड़कियों के लिए तो बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इनके घर पे भी ऐसी सिचुएशन थी, इनके घर पे होता ये था गाइस कि मतलब हम लोग 2-2.5-3 महीने हो जाते थे, हम लोगों को मिल ही नहीं पाते थे ठीक से, और मिल नहीं पाते थे। आप समझ सकते हो कि आप डेली किसी से बात कर रहे हो, किसी पर्सन से, और उससे मिल ही नहीं पा रहे हो, तो आपको भी ऐसा लगता है, वो भी जब जब आप पास में ही हो, ठीक है, 1-2 किलोमीटर के आसपास में ही हो आप, और उसके बाद में भी सिर्फ बातें कर रहे हो फ़ोन से और मैसेज से, लेकिन उसके बाद में आप मिल नहीं पा रहे हो, तो इतना अजीब लगता ना गाइस। क्योंकि मैं इनको देखने के लिए जाता था कभी कभार हफ्ते में एक बार, और जब देख लो उसके बाद में और ज़्यादा याद आने लगती थी। जब ये गैलरी में आते थे, मतलब मैं बाइक से निकलता था और ये गैलरी में आ जाते थे, एक झलक देखता था मैं इनकी, मतलब एक हफ्ते में एक बार मैं चला जाता था इनके वहाँ पर। रोज़ तो नहीं जा पाता था क्योंकि रोज़ अगर जाओ तो वहाँ का जो कम्युनिटी है वो उनको शक हो जाए। मोमेडेन का इलाका था वो, मुस्लिम घर थे मेरे घर के आसपास सब के, सारे उनका इलाका, तो ठीक है। और अब उसके बाद में अगर आप किसी ऊपर झांक के अगर किसी को बार बार देखने के लिए जाओ आप, तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है और किसी को भी शक हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने रोज जाना नहीं समझता था। आप लोगों को पता है कि आजकल के पड़ोसी कैसे होते हैं नजर रखने में, बिल्कुल एक लड़की के ऊपर, ये लड़की क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किसको देख रही है गैलरी में से, इतनी प्रॉब्लम होती थी ना गैलरी में भी खड़ी होती थी ना मैं, तो इतनी प्रॉब्लम होती थी ना आपको बता नहीं सकती है। और उसके बाद में कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी उस इलाके में जाना और उसके बाद में किसी लड़की को आप देखना, तो बहुत मतलब एक चैलेंजिंग वाला काम ही था। अब उसके बाद में गाइस ऐसा हुआ एक दिन कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा कि यार इतना टाइम हो गया, मैं फर्स्ट एड हो गया यार कि मिल ही नहीं पा रहे अपन, तो कैसे चले गए इसे। फिर मैंने मैं एक्स से जिद करा, क्योंकि एक दिन ऐसा आया गाइस कि इनके जो पेरेंट्स थे वो कहीं चले गए शादी में या कहीं पे गए हुए थे वो लोग नानी के घर, शादी में कहीं, मुझे आइडिया नहीं कहाँ गए थे, शादी में गए थे ना, शादी में कहीं गए वो। और उसके बाद में मैंने इनसे बोला कि यार महक अब तुम आ जाओ। फिर मैंने इनसे बोला मैं नहीं आ सकती क्योंकि जो शादी थी ना वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, वो किलोमीटर मतलब 15 से 20 किलोमीटर दूर शादी थी, तो वो सुबह गए थे और शाम को 7-8 बजे आने वाले थे, तो टाइम उन्होंने फिक्स नहीं बताया, उन्होंने ये बोला था कि 7-8 बज जाएगी। तो उस शादी में हमारे रिलेटिव्स वगैरह वो भी गए हुए थे, तो वो क्या जल्दी आ गए, मतलब मैं कह सकती मेरे फुप्पा जी और उनका लड़का, तो वो जल्दी आ गए थे, तो घर पर ही मतलब 3-4 समथिंग वो घर पर आ गए थे। मतलब इनके पापा से पहले इनके रिश्तेदार जो वो थे घर पे वो पहले आ गए, और इनके पेरेंट्स नहीं आए, तो अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये थी कि यार अब वो पेरेंट्स आ जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, ठीक है, इसलिए महक भी नहीं आ सकती थी, तो वो प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं समझने के लिए तैयार नहीं था, मैं बोल रहा था महक को कि नहीं महक तुम तो अभी आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आओ, लेकिन आओ भाई ना, आप घर पे रिलेटिव्स आ, अब कोई मेहमान आ गया घर पर, मेहमान को छोड़कर मैं आऊँ, दादी भी घर पे थे, तो अब मेहमान को छोड़कर मैं आऊँ तो कितना बेकार लगेगा। चलो कोई और बताने वाला नहीं, यही बता देंगे यार ये तो थी नहीं यार यहाँ पर, बहुत देर से गायब हुए, पता नहीं कहाँ गई थी। हाँ। तो और भी डर बना हुआ था, और मेहमान आए हुए तब फिर उनको चाय वगैरह सब करिए, और वहीं थे जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे उनसे मिलके, वो रात रुक कर फिर जाएंगे। ठीक है, अब वो अब क्या करे क्या करे, ये जीत करने बैठ गए। तो उसके बाद मैंने इनको बोला कि मुझे क्रेविंग बहुत हो रही है नूडल्स और ये खाने की। हाँ। तो एक काम हो सकता है आप इसने देखो आइडिया कितना दिमाग लगाया वहाँ पे कि यार मिलना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इन्होंने फट से आइडिया लगाया कि यार ऐसा कर सकते हैं अपन।
तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो ही रही थी उस टाइम, क्योंकि इच्छा करती है खाने की, तो उस टाइम बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि घर पर कोई था नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है गाइस इनके यहाँ ऐसी थी कि यार अगर इनको कुछ खाना भी है ना, तो उसके बाद में चाहे वो पास में दुकान हो, ठीक है वो 500 मीटर दूरी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद में भी चाहे छोटा भाई जाएगा साथ में, या कोई पापा जाएंगे, मम्मी जाएगी, कोई भी जाएगा, बड़ा इंसान जाएगा, जब जाके वो वहाँ पर शॉप पर जाएंगे, मतलब आइसक्रीम की शॉप भी होगी तो भी आपके साथ में कोई बड़ा जाएगा, और पास में भी होगी मतलब दूर भी होगी तो बड़े व्यक्ति जाएगा, जब भी जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। वही ना, तो फिर इस प्रॉब्लम रहती थी, घर से जाना मना था तो फैमिली वाले भी नहीं थे, अगर पूछ के भी जाओ तो घर, वो जब गए थे पेरेंट्स बोल के गए थे कि जाना मत तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने इनको बोला कि एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया, बहुत मज़ा आएगा इस आपको वीडियो में बने रहना तो फिर मैंने इनको बोला मुझे क्रेविंग हो रही है नूडल्स और पास्ता खाने की, तो एक काम कर सकते हैं मैं जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ तो आप लेकर आ जाना। तो मैंने ये सिर्फ मैंने मेरे दादी वगैरह के सामने बहाना करा कि मैं जोमेटो से नूडल्स वगैरह ऑनलाइन कर रही हूँ, ये पप्पा जी भी आए ये भी खा लेंगे और अपन भी खा लेंगे, तो दादी ने बोला हाँ ठीक है कर दे तो उस टाइम फिर मैंने बोला मैं ऑर्डर वर्डर नहीं कर रही हूँ, आपको आना है डिलीवरी बॉय बनकर। तो गाइस उस टाइम पता है कि मैं डिलीवरी बॉय भी बना इनके लिए और इन गाइस जैसे जोमेटो उस टाइम चलता था हमारे सिटी में, लेकिन अब बंद हो गया है क्योंकि तब लोग उस पे ऑर्डर नहीं करते थे, ऑर्डर नहीं कर पाते थे, तो वो ज्यादा दिन चला नहीं, लेकिन अब बंद हो गया। उस टाइम चलता था हमारे लिए तो अच्छा था। उसके बाद मैंने बोला पास्ता और नूडल्स लेकर आ जाओ डिलीवरी बॉय बनकर, उन्होंने बोला ठीक है मुझे तो देखना है तुम्हें और इस बहाने में तुम्हारा फेस टू फेस भी रहूंगा, तो मैंने कहा आ तो जाना, लेकिन पूरा मोमेंट इनका मोहल्ला है और कैमरा भी लगा है, सब थोड़ा सा ध्यान से करना, लेकिन कैमरा भी लगा है सबसे ध्यान से रखना, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल। तो आपको ज्यादा ही गुस्सा ज्यादा वो कर रही थी जीत, तो मैंने गुस्से में बोला आपको ज्यादा ही जीत हो रही है ना, तो ठीक है अब आओ रिस्क लेकर बिल्कुल। अब गाइस मेरे लिए वहाँ चैलेंजिंग क्या था पता है, अब मैं वहाँ पे पहुंच गया ठीक है, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि अपन दोनों चलते हैं ठीक है, अब वो भी मेरे साथ में और मैं भी ठीक है, मैंने क्या करा कैप बांध ली ठीक है, कैप लगा ली और मुंह पे मास्क मान ले जो अभी हम लोग लगाते हैं ना वही वाला मास्क ठीक है, डिलीवरी बॉय जैसा, ताकि वो किसी को शक भी नहीं हो। रात के 8:30 से 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, 8:30 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, और इनके घर वाले उस टाइम तक भी नहीं आए घर पे ठीक है, वो जबकि मैंने बोला था कि 4 बजे अगर ये आ जाते आधे घंटे के लिए तो मिल भी लेते अच्छी तरीके से, लेकिन ये नहीं आई थी क्योंकि वो डर था ना कि घर वाले कहीं अचानक से नहीं आ जाए। हाँ फिर उस टाइम है ना 9:30-10 बजे के समथिंग घर वालों को कॉल आया था कि हम आज नहीं आ पा रहे, आने नहीं दे रहे, हाँ नेक्स्ट डे आएंगे ठीक है, तो वो वहाँ भी मेरे को बहुत चिड़ हुई थी उस टाइम में कि यार ये आया ही नहीं पाई, और ठीक है घर वालों ने भी ऐसा बोल दिया फाइनली। फिर उसके बाद मैं वहाँ 8:30-9 बजे के आसपास मैंने नूडल्स वूडल्स पिकअप करे वहाँ से कैफे से, और मेरे फ्रेंड को बोला कि चल अपन आते हैं ठीक है, वो भी मेरे साथ में, वो भी हिम्मत वाला था, मैं भी, हम दोनों गए ठीक है। अब वहाँ पे पहुँच गए हम लोग, अब वहाँ पे इनके घर के सामने एक चाय की दुकान है, एक छोटी सी होटल बना हुआ है छोटा सा, अब वहाँ पे जाके हम दोनों बैठ गए, पहले चाय पी हम लोगों ने, पहले सोचते रहे, फिर मैं को बताया कि हम लोग आ गए हैं अब क्या करना है बताओ ठीक है, पहले चाय वाय पी ली, और इसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए पता है क्या था गाइस, अब मैं जहाँ पे जिम जाता था, पहले जिम जाता था वो मतलब 1 किलोमीटर का एरिया ठीक है, और जितने भी लोग वहाँ पे मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग थे, वो सारे जितने भी लोग वहाँ के वो सब उसी जिम के अंदर आते थे, तो मतलब मोस्टली लोग उसी कॉलोनी के, वो मुझे सभी जानते थे। अब मेरे को ये डर था कि यार ऐसा ना हो कि गलती से, सबको पता था कि मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता, और अगर गलती से उन्होंने देख लिया कि यार ये बंदा तो ये दूसरा काम करता है और ये कुरियर बॉय बन के क्यों आया है, डिलीवरी बॉय बन के क्यों आया, बॉडी ऐसी कैसी है, ठीक है जाते थे तो बॉडी भी अलग दिख रही, और डिलीवरी बॉय लग तो रहे थे, केबिन लगा रहे थे लेकिन इतने नहीं लग रहे थे, कपड़ों से तो स्टैंडर्ड और डिलीवरी बॉय। हाँ तो अब मैंने कहा यार अब क्या करना है, तो मतलब मेरे लिए बहुत, मैंने मास्क वास्क बांध लिया, मैंने कहा यार अगर चेहरा नहीं देखे कोई तो ही अच्छा है, अगर चेहरा देख लिया पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी दोनों की। अब उसके बाद में फिर मैंने तो वो उठाया गाइस, और उसके बाद में मैंने कॉल करते करते थोड़ा मतलब एक्टिंग करते हुए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ मैम, ऐसे करके मैम को बोला कि मैम मैं इधर खड़ा हूँ, और मैं भी बात करते करते बाहर आ गई, और जब बाहर आई उसके बाद में फिर हाँ फिर गाइस इनका कॉल आया कि मैं आ गया हूँ ये लेकर नूडल्स, तो दादी वगैरह सब उनके सामने मैंने फोन उठा लिया कि हाँ डिलीवरी बॉय वाले आए हैं, तो मैंने फोन उठाया कि हाँ कहाँ पर हो, तो इन्होंने बोला कि यही होटल के पास खड़ा हूँ, फिर मेरे घर का नहीं थी धक्धक होने लग गई, हार्ट बीट बढ़ गई, क्या करो और सांस अलग नहीं आ रही। उसके बाद मैंने कहा कोई नहीं टेंशन क्यों ले रहे हैं अपन, डिलीवरी बॉय वाला ही है तो चलते हैं, डिलीवरी बॉय वाला ही है देख लो भाई घर वालों के लिए। तो फिर दादी ने बोला कि इसका फोन है, मैंने कि वो आ गया डिलीवरी बॉय वाला, तो उनसे बात कर रही थी ठीक है ठीक। फिर उसके बाद मैं आई नीचे जो ओटला होता है ना वहाँ पर खड़ी हो गई कि मैं जिस कलर के कपड़े पहन रखे हैं यहाँ पर आ जाओ, तो इन्होंने बोला कि होटल के मैं खड़ा मैंने आ जाओ सीधे मत डरो,
तो फिर मुझे आसपास में सबको देख भी रहे, तो आजकल का मोहल्ला ऐसा है कि लड़की पर ध्यान रखती है बहुत ज्यादा, तो सबकी नजर मुझ पे, तो मेरे को वहाँ भी डर के यार कोई पहचान नहीं ले, कुछ हो नहीं जाए। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है जो होगा देखा जाएगा। फिर वो आए ना सब जस्ट सामने भैया बैठे थे तो वो मुझे देख रहे। हाँ। देख रहे घूर रहे। होता का ऐसा है कि जब भी कोई लड़की अगर बाहर निकलती है ना, वो महक की बात नहीं कर रहा, कोई भी निकलती है तो उस पर पूरा फोकस रहता है। ठीक है, जितने भी आसपास की सारी दुकानें हैं, वो होटल हो गए, ठीक है, सबका फोकस रहता है कि वो लड़की निकली है तो क्यों निकली, किस कारण से निकली, तो ये शक का कीड़ा रहता है दिमाग में। उसके बाद फिर आए तो फिर लग गए सबको कि हाँ कोई जोमेटो से मंगाया हुआ खाने का। तो क्योंकि वो जो मैं डब्बा भी पैक करके वहाँ लेके आया था ना, वो भी जोमेटो वाला ही था, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ वाकई में बंदा जोमेटो वाला ही है। उसके बाद ये आए और जस्ट मेरे घर के सामने, मेरे घर के गेट के सामने ही बाइक खड़ी करी, उतरे। हाँ। उतरने के बाद मेरे ओटले में सीढ़ियाँ जा रही थी, वो चढ़े और ऊपर आए, मैंने आ जाओ आप तो ऊपर। हाँ, मैंने बोल दिया। हाँ। कि भैया अंदर, मैंने मेरे मुँह से निकल गया भैया अंदर आ जाओ। मैंने भैया अरे गल, फिर मैंने डांटा बाद में बहुत। हाँ, डांटा में चिल, वो तो निकल गया था क्योंकि वो आज दादी पीछे खड़ी हुई और सब आस पास, तो फिर ये आ गए, तो फिर मैं देख लिया दादी चले जाए, दादी चले जाए, तो दादी किस्मत से दादी चली गई ऊपर, तो चलो मैं जाती हूँ ऊपर, तो वो चली गई दादी। उसके बाद फिर मैंने फिर मैंने बोला कितना हुआ, पैसे कितने हुए, जोर से चिल्ला रहे ताकि घर वालों को सुना जाए, दादी वगैरह को। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैंने कुछ नहीं, वो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया मैम आपने, ठीक है। फिर मैंने इनको बोल दिया कि आ गए मैम, वो पेमेंट आपने ऑनलाइन करा, मोबाइल से दिखाया और बोला कि हाँ वो पेमेंट आ गया। फिर हमने दो मिनट तक हमने बात कर ली, क्योंकि कैसा ना हम करते रहे ऐसे भी, हाँ ये वो ऐसे प्रॉब्लम आ रही कुछ ऑनलाइन पेमेंट में, तो ऐसा हम करते रहिए बातचीत। तो फिर दो मिनट तक हमने बातचीत करी और धीरे धीरे कर ली, किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि इनका तो फेस कवर था कि ये क्या बात कर रहे हैं, और लोगों का लगा पेमेंट वाला की हिस्से की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो गया। उसके बाद में भी गाइस मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद में मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एक हिंदू लड़का मोमेडियन के मोहल्ले में घुस के एक मुस्लिम लड़की को, ठीक है, डिलीवरी बॉय बनकर मतलब वो देगा नूडल्स। उसके बाद में भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ गाइस, कि अरे यार मजा नहीं आया, मिल नहीं पाया ठीक से, क्योंकि जो बात करनी थी वो तो बात हुई नहीं, ठीक है, और उसके बाद मैं फेस भी ठीक से नहीं देख पाया, क्यों, क्योंकि वो बातें सिर्फ वो देने में लेने देने में और सब कुछ इन्हीं में चीज़ हो रही है। देखो इतना रिस्क ले, मैंने बोला था सिर्फ आपको देखना है। अरे तो गाइस मेरी बात सुनो, अब देखना मतलब क्या है, वो अच्छी तरीके से निहारना, अच्छी तरीके से एक दो मिनट तक शांति तरीके से बैठ जाओ, या आपने जिससे प्यार करते उसको देख लो अच्छी तरीके से, जब जाके तो आदमी सेटिस्फाइड होता है ना। अब उसके बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर मैंने मेरा फ्रेंड था उसको बोला कि यार मजा नहीं आया, तो फिर मैंने इनको मैसेज करा, मैं एक काम करता हूँ, देख लो फिर, ठीक है, मैंने कि अब मैं ऐसे नहीं हो पाएगा, मेरे को अच्छी तरीके से देखना है, तो अब एक काम करो, तुम्हारे पास में एक इनके पास में एक मस्जिद बनी हुई है गाइस, ठीक है, ऐसे मस्जिद बनी हुई है। अब उसके बाद में फिर मैंने इनको बोला कि वो मस्जिद है ना, अब इनके जो घर का रास्ता है ना गाइस, तो वो पीछे से ही भी जाता है, पीछे से भी जाता है, मस्जिद की गली है उसके अंदर से भी जाता है पीछे से, वो गली है, तो वहाँ पे भी इनका एक गेट बना हुआ है। तो मैंने बोला कि मैं घर पे कोई था भी नहीं, खाली दादी थी और इनके बड़े वो फूफा जी थे, वो था थे खाली। एंड गाइस है ना, मतलब टेंशन खत्म हुआ था कि हाँ चलो काश मिल ली, देख लिया, खत्म। उसके बाद फोन आता, खाया भी नहीं, फोन आता 10 मिनट बाद, मुझे तो मजा नहीं आया, वापस मुझे मिलना है, बिल्कुल, और दूसरा मौका बताओ। हाँ, फिर मैंने इनको बोल दिया कि देखो, मैंने इनको सजेशन दिया कि मैंने कि वो गली है तो उसमें मैं आ जाता हूँ, तो ठीक है 5 मिनट के लिए आऊँगा और चला जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब महक ने बोला कि नहीं नहीं मना करा, पहले तो बहुत मना करा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बोला, फिर अब फाइनली ये मान गई गाइस। हाँ, फिर फाइनली मैं मान गई, चलो ठीक है, रात का टाइम हो गया था और सब सो गए थे, फिर भी लोगों ने जागते भी बहुत सारे, जागते रहते क्योंकि मार्केट का एरिया है इनका, तो उसके बाद में चलती फिरती। उसके बाद में फिर मैंने करा गाइस, ठीक है, मैंने जो कैप पहनी हुई थी और उसके बाद में जो कपड़ा ऐसे बांधा हुआ था, ठीक है, कपड़ा वो बांधा हुआ था, तो उसको ही मैंने क्या करा, सर पे रख लिया, ठीक है, सर पे रख लिया, और सर पे रख के चुपचाप से जो मस्जिद का मस्जिद, हाँ, मस्जिद की जो गली थी ना, मस्जिद की गली, उसके अंदर घुस गया। अब उसके अंदर जैसे ही मैं घुसा, और उसके बाद में मैंने महक को फटाफट से मैसेज करा, मैंने महक फटाफट से आओ, ठीक है, वो फिर पीछे का जो इनका गेट है वहाँ पे इन्होंने गेट खोला, और उस गेट के अंदर में, ठीक है, उस गेट के अंदर पहुंचा मैं, और गेट के अंदर पहुंचने के बाद फाइनली महक को देखा अच्छी तरीके से, 1 मिनट तक देखा और बातें हुई 2-3 मिनट तक, ऐसे करके 5 मिनट तक मैं वहां पे रुका गाइस। लिया हमने रिस्क, हाँ, रिस्क लिया, खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक वाला रिस्क था ये,
ठीक है 5 मिनट तक देखा और उसके बाद में फिर मैं वहाँ से निकला गाइस। अब सोचिए कि इतना बड़ा रिस्क, और जबकि वो मस्जिद ऐसी थी गाइस कि वहाँ पे नमाज पढ़ने वाले सब आते जाते रह रहे, लेकिन अगर कोई बाई चांस अगर गलती से देख लेता तो बहुत दिक्कत हो क्योंकि जाती। नाइट का टाइम हो जाता है तो वो मस्जिद में बंद हो जाती है, फिर उसके बाद कोई आता जाता नहीं। लेकिन इस टाइम पे जैसे कि जब ये हमसे मतलब 11-12 के समथिंग ताला लग जाता है वहाँ पे, ताकि कोई घुस नहीं सकता है, तो ये 10-10:30 बजे तक आ गए थे तो ताला खुला था। ताला खुला था मतलब आई थिंक 9:45 बज रही थी उस टाइम, 9:45 बजे से लेके 10:15 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम। तो उस टाइम मैं 5 मिनट के लिए गाइस मिला, ठीक है। उसके बाद में मैं वहाँ से निकला और जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट करी और आगे जाके थोड़ी देर रोकी, और जब जाके लगा के भाई फाइनली जिस काम के लिए गए थे वो काम सक्सेस लो, हुआ, आप देख सकते हैं ठीक है। कितनी बड़ी इतना हमने बड़ा लाइफ रिस्क, की इतनी बड़ी रिस्क ली थी, हाँ। कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब प्यार होता है ना गाइस, तो प्यार में सिर्फ भूत सवार रहता है कि यार जो आपने ठान लिया वो ठान लिया। जैसे हम लोगों ने ठाना था कि यार शादी करना है तो शादी करना है, और वाकई में हम दोनों ने शादी करी, एंड ठीक गाइस है। है ना, इनको उस गली जैसे मस्जिद की गली वाले का रास्ता पता चल गया था ना, तो एक दिन मैंने घर पे मैगी बनाई, तो मुझे हाँ मैगी दो मैगी दो, मैं भले मेरे फ्रेंड को भेज दूँ उस गली में, लेकिन मेरी मैगी बिल्कुल, मुझे चाहिए बनी हुई आपके हाथ की। हाँ उसके बाद एक दिन मैंने मैगी बनाई और वहीं उस गली में वो कोई इनके फ्रेंड को भेजा था, फिर भेजा था बाद वो भी में दिया था उन्होंने, फिर वो फ्रेंड आया उसको मैंने पता से मैगी दी, भाग हाँ। तो गई गाइस मतलब भागी। मिलने के तरीके तो हम लोगों ने बहुत निकाले इस तरह से, क्योंकि देखो बहुत रिस्क था, और प्रॉब्लम ये थी कि महक मिल नहीं पाती थी ठीक से। लेकिन जहाँ प्यार होता है ना तो भाई रिस्क भी लेनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं ऐसे और पीछे हट जाते हैं। अरे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यार गाइस कि मतलब मेरी लाइफ में अभी देख ही रहा हूँ, और ऐसे ऐसे लोग देख रहा हूँ कि जो बंदी को पहले हाथों कर देते हैं और उसके बाद में पीछे पलट जाते हैं और शादी नहीं करते हैं, सिर्फ चलाते हैं थोड़े टाइम तक, 1-2 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद में घर वालों का हवाला लेके छोड़ देते हैं एक दूसरे को, चाहे लड़की हो गई या लड़का हो गया। तो भाई ऐसा करना ही है तो फिर प्यार ही क्यों करते हो प्यार ही आप? तो जब करना। अच्छी बात है, सोचो घर वालों के लिए, बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए, ठीक है। उन लोगों के लिए हम लोग को पूरी लाइफ बिताना है और उनसे उनके लिए ही सब कुछ करना है हम लोगों को। लेकिन जब आपने एक पार्टनर को भी प्रॉमिस करा है, आपका जो पार्टनर है कि हम जियेंगे मरेंगे साथ, इस तरह की कस्में वादे आप लोगों ने करे ही होंगे, मुझे पता है अच्छी तरीके से सभी करते हैं। जब इतने सारे प्रॉमिस आपने एक लड़की दूसरी लड़की ठीक है उसके साथ में भी करे हुए हैं, आप उसको सोचते हो कि उसको लाइफ पार्टनर बनाएंगे हम लोग, और उसके साथ में भी इतने प्रॉमिस करने के बाद में आप उस उन सब चीज़ों को तोड़ देते हो और सिर्फ बोल देते हो कि हम लोग घर वाले की वजह से ये नहीं कर पाएंगे ये वो नहीं गलत कर पाएंगे, बात तो गलत है, है ना भाई? बहुत गलत या तो है। करो ही मत। आपको चलो ठीक है अच्छी बात है, आपको फैमिली पसंद है तो उनके हिसाब से शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये फिर बाद में फैमिली वालों का हवाला लेके, समाज का हवाला लेके ये ऐसे नहीं इस करना, तरह प्यार की गलतियां मत करो भाई। करना है तो डरो मत, डरो हिम्मत मत, रखो हिम्मत और आगे रखो और आगे बढ़ो। बढ़ो, ठीक है। देखो आर या पार, हमारा तो कहना यूं ही है, ठीक एक है। कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना डरना क्या, क्या, तो तो ये डरो इसको मत, ठीक ये है जो हिम्मत बात है ना रखो। इसको दिमाग में भी लो, इसे बोलने बिल्कुल, से कुछ नहीं होता कि प्यार किया तो हम दोनों डरना तो है, गाइस अभी ये करके भी सोचते हैं, दिखाओ। हम दोनों तो सच में लिटरली बता रहा हूँ, हम दोनों तो ये सोचते हैं, हम लोगों को नहीं पता कि हम दोनों का कितना साथ होगा कितना नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं, वो सब भगवान के ऊपर होती है सारी चीज़ें। हाँ सही बात, लेकिन जितना टाइम भी रहेंगे ना साथ में, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल समर्पित रहेंगे और सब कुछ करेंगे दोनों साथ में, हंसेंगे मस्ती मस्ती करेंगे करेंगे, मजाक करेंगे, ठीक है, घूमेंगे साथ फिरेंगे में सब कुछ रहेंगे रहेंगे। सब। मतलब ये जो पल है ना गाइस, हम दोनों के लिए ये पल ही बहुत कीमती है। आज हमारी लव स्टोरी में हम दोनों को लगता है कि हम दोनों ने इतने अच्छे हसीन पल गुजारे हैं, तो जिंदगी के जो आगे वाला आने वाला जो सफर है वो भी हम अब इसी तरह से हंसी हंसी मजाक हंसी करते हुए गुजारे। गुजारे, ठीक है। हमको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा गाइस। सो आई आई होप होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा गाइस। पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक प्लीज करना, गाइस लाइक कर देना ढेर शेयर सारे। करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से आप लोगों को हमारी जर्नी के जो जानने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, बताना, और ठीक ये है। तो किस्सा कैसा लगा वो भी बताना। हम लोग आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान ध्यान रखिएगा, रखिएगा, बाय बाय। बाय।